मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे इंडियन पॉलिटी प्लेलिस्ट के सीरीज़ में ये मेरा दूसरा वीडियो है, इनफैक्ट ये पहला वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको एक फ्रेमवर्क तैयार करके देता हूँ, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन पॉलिटी को कवर किया जाए। जितने भी मैंने एग्ज़ाम्स दिए यूपीएससी में, उसमें इंडियन पॉलिटी में मेरा अच्छा स्कोर रहा, या यूजीसी नेट का भी जो एग्ज़ाम मैंने दिया है उसमें भी मेरा पॉलिटी की वजह से मेरा नेट अच्छे मार्क्स से क्लियर हुआ। सो आई होप कि मेरे फ्रेमवर्क से और मेरे प्लानिंग से, मेरे शेड्यूल से आपको भी काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगा। तो इंडियन पॉलिटी को हम डील करने के लिए सबसे पहले कुछ उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करेंगे जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावना अधिक होती है। इसी सीरीज़ में मैंने कुल 7 टॉपिक्स ऐसा चूज़ किया है जिससे हम अक्सर क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम्स में पाते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट करके हमारा इंडिपेंडेंस तक कवर करेंगे। सेकेंड टॉपिक होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड टॉपिक हम अपने शेड्यूल्स के बारे में देखेंगे, जो 12 शेड्यूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशली इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। फिफ्थ पोर्शन हमारा फंडामेंटल राइट्स पे होगा, सिक्स्थ पोर्शन फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, और सेवेंथ पोर्शन जो फोकस एरिया होगा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे होगा। ये 7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका एक मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस कवर होता है। ठीक है, थैंक यू।